वो भी साथ है, सिलेंडर साथ है, सब कुछ है बाबा। आप देखो बाबा, ठंड से नीचे हमने ये रखा है, इसके ऊपर हमने ये गरम ये रखा है। वो देखो चांद, वाव, वादियों में इतनी बर्फ है नहीं अभी। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द माउंटेन्स। बर्फ पड़ी है, मतलब रात को तो पता ही नहीं लगा हमको कि बर्फ है। रात को ठंड तो ज़बरदस्त थी भाई, 3 बजे तक तो हम बैठे रहे, 2:30-3 बजे तक। बुखारी बुखारी ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया। अभी जलाने की ज़रूरत है बुखारी, क्योंकि बेशक धूप आ गई है। बट क्या है कि जला ही लेते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह सुबह हाथ में लग रही बहुत। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाएंगे हम और यहाँ से निकलेंगे। मतलब इतनी बर्फ नहीं है, बट हाँ नीचे तो एकदम से ऐसा हो रहा है जैसे ज़मीन से ना ठंड अलग सी चढ़ रही है। चलो जी, तो आग जलाते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे आग से ही बात बनेगी। वो भी साथ है, सिलेंडर साथ है, मजा है, सब कुछ है बाबा। हाँ, अभी तंदूरी बाबा, ये शापा। इसके बिना तो रात निकालना मुश्किल है। मुश्किल मुश्किल। तो इधर तो हम आते रहते हैं, तो फिर यहीं पहुंच गए फिर। बाबा क्या ठंडा होगा है? यहाँ कोई ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। आ जाओ बैठो, चाय पिए, बैठ जाओ थोड़ी देर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और क्या। इस पे बैठो, इस पे आओ, इस पे बैठो। हम सोलन से लाए हैं। लकड़ी तो हमारा वो जला। अरे दीदी वहाँ कैसे जलाना है? ऊपर बैठ जाओ, ऊपर ऊपर, इधर आओ इधर। अरे उधर जाओ, नहीं नहीं इधर बैठा नहीं जाएगा ना, कोने में। हम तो बर्फ ढूंढ रहे थे और अभी बर्फ लेट हो गया इस साल ना। आप देखो बाबा, ठंड से नीचे हमने ये रखा है, इसके ऊपर हमने ये गरम ये रखा है, इसके ऊपर, और ये हवा वाला है तो फिर ठंड ऊपर नहीं चढ़ती। हाँ नहीं चढ़ती। को मैं बताऊँ, हम कल एक दिन दो दिन खराब हुआ हमारा पूरा जगह ढूंढने। अच्छा, 2 दिन से हम इतना सामान लेके चले हैं और मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। क्या मजा है बाबा। चलो आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है, बहुत से बहुत अच्छा लग गया। बस देखा नहीं ऐसा टेंट थे छोटा छोटा ऐसा। गेस्ट आए हैं हमारे पास, कितना अच्छा लग रहा है हमारे को। यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत साल से रुक रहा हूँ, 8-9 साल हो गए मेरे को। अच्छा, तो ये तो यूज ही नहीं किया आज तक। ऐसा ना, अपनी अपनी उससे अपनी उसके लिए नहीं, लकड़ी लुकड़ी तो काटने में तो काट ही देगा, वैसे ऐसी बात नहीं है। इसको धार लगाने को है, काम चलाने के लिए तो ठीक है। नहीं, थोड़ा सा ऐसा है ना कि जैसे कई बार हो जाता है ना, अकेले रुक रहे हैं
जानवर जुनवर के लिए रखा है, पार्क में नहीं है लाइट आज, क्या थोड़ा और जैसे दिखाई दे रहा। चाय तो बढ़िया बननी चाहिए, मेहमान आए हमारे घर में हैं, चाय आपको बढ़िया बना के पिलाएंगे एकदम। लो लो, गुड मॉर्निंग। गिलासों में ना मसालों की खुशबू है हल्की हल्की, आपको आ रही है? इसमें मसाले पड़े होते हैं ना, जीरा और बड़ी इलायची ये वो। अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं सामान ना बाहर के हिसाब से। अभी ऊपर का जल गया, फिर नीचे वाला जल जाएगा। चार्ज होती है। अच्छा, तो YouTube पे हम डालते हैं वीडियोस है ना, वीडियोस वगैरह डालते हैं, काफी सारे कुछ करते हैं। तो कर, मोमोज खाओ आप, एक एक ही खा लो चाय। नहीं, 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 नहीं खाना, अब घर में बनाना। नहीं, एक एक पीस आपके लिए। अरे एक एक पीस खाओ आप, देखो अभी ये स्वाद बड़ा लगेगा, थोड़ा सा गर्म हो जाए ना बढ़िया। थोड़ा थोड़ा काट के दूंगा इसको मैं, एक एक पीस से खाना। हाँ, जो अभी यूज़ ही नहीं हुआ ना बर्तन, हमने अपने एक एक गिलास एक थाली अलग रखा होता है, बाई चांस कोई आ जाता है ना तो फिर उसके लिए अलग रखा होता है हमने कि चलो साफ सुथरा है एक। थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अरे इसमें इस, नहीं 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 यही डालो यही। अरे कुछ नहीं होता, इसमें ले लो। पानी दूर है, पानी नहीं है, इतना शेपा मत करो। अच्छा, मिलेंगे आपको, फिर मिलेंगे। ठीक है जी, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, ओके। ओह चलो जी, ब्रेकफास्ट बनाया जाए अब, ये बहुत ज़रूरी है ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी खाना, तो बढ़िया सा बनाते हैं। और हमारे पास सिड्डू भी हैं भाई, सिड्डू लाया था मैं, वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। एक जगह बड़े फेमस सिड्डूज बनते हैं, तो कुल्लू से मैं वो लेके आया था वहाँ से। तो भाई आपको कैसी लग रही है कैंपिंग सीरीज़? मतलब मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाल दिए कैंपिंग पे, मतलब इतना एक्सट्रीम कोशिश कर ली कि जितना एक्सट्रीम जा सकते हैं। तो थोड़े अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना कि भाई आपको कैसा लग रहा है ये सब कुछ देख के, मतलब ये बिल्कुल कॉमन नहीं है। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं भाई पागलपन है, क्या कर रहे हो आप इतनी सर्दी में, पर भाई पागलपन में मज़ा अलग है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके अरेंजमेंट्स हैं वो आपके डबल होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ बुखारी के भरोसे बैठ जाओगे, या आप सिर्फ ब्यूटेन के भरोसे बैठ जाओगे, या आप सिर्फ गैस के भरोसे बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं है। यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। भाई आग पे बनती है ना ये जो चीज़, चावल इसमें मिक्स हो जाएंगे ना, थोड़ा सा नमक डालेंगे, फाइनली जस्ट टुक ऑलमोस्ट 2 hours टू get a फाइनल पैकअप। और आशीष भाई भी पहुंच चुके हैं हमारे, आए तो बहुत देर होगी, काफ़ी टाइम हो गया तो काफ़ी देर होगी। कि ये जो पूरे व्लॉग के बाद का जो मेहनत होती है ना वो है, पूरा साफ़ करना, बहुत डिटेल रहता है काम, तो टाइम बहुत लग गया। बाहर हमने देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सारा कुछ साफ रखा है, कोई गंदगी नहीं है। ये हमारी गाड़ी पैक हो रही है, ऑलमोस्ट पैक्ड है ये, तो फाइनल पैक करके इसको निकलेंगे यहाँ से। ये है रियल व्लॉग भाई, व्लॉगर्स लाइफ।
सो कल से जो हमारे को जितनी भी हेल्प मिली इन टर्म्स ऑफ वुड वो यहीं से मिली। अभी दिस होम स्टे इज़ माई फ्रेंड्स होम स्टे और यहाँ जा रहे हैं, इसके बाद हम घर निकल जाएंगे। ये आशीष भाई के पापा हैं। हाय। हेलो अंकल जी, नमस्कार। कैसे हो? ठीक ठाक। बहुत बढ़िया। चलो, रात को हम आपको जल्दी जल्दी में मिले। अच्छा, थे। अच्छा हाँ, तो अभी देर और थोड़ा लेट में हो गए थे। हाँ, बाकी आपने कैंप पे सेट करने में भी काफी टाइम लगा होगा आपका तो। बहुत टाइम लगा। अच्छा, रात लग गई हमारे को पर मजा आ गया। अच्छा, ठंड कैसी रही? ठंड मतलब नहीं लगी इतनी। हाँ, क्योंकि हमने बुखारी चलाई थी ना। हाँ, बुखारी। टेम्परेचर भी उतना कोई खास नहीं लगा मुझे, शायद तकरीबन 8 नहीं, कल 11 दिखा रहा था नेट पे तो, पर ठीक था टेम्परेचर। फील्ड पे तकरीबन वही था, 8-10 के करीब था। आ जाओ ऊपर, चलो। हाँ चलिए आप। भाई तो ये भाई का होम स्टे है। कभी भी आना हो आपको यहाँ आओ, और स्पीति में सॉरी लाहौल में बहुत अच्छा अकोमोडेशन है। ये देखो यहाँ पे अंकल जी पहले पहुँचे। ये पंठन है? हाँ। अच्छा, कॉमन एरिया है। बहुत बढ़िया है, नाइस। और यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा है नीचे का, और सामने देखो पहाड़ियाँ, गजब का व्यू। आप तो मतलब जन्नत में रहते हो आप। हमारे को इतनी दूर से आना पड़ता है यहाँ पे। ये हमारी किस्मत है जो यहाँ हम आ गए। सही बात है, किस्मत वाले बंदे ही होते हैं यहाँ पे। ऐसा होम स्टे अगर आपको मिले ना भाई ऐसी जगहों पे, तो उससे बेस्ट क्या है? जस्ट चेक आउट द व्यू एंड एवरीथिंग इज़ लाइक सो डैम गुड। और ये देखो सामने, वो ब्यूटीफुल, सो डैम गुड। तो आओ, मैं लिंक में डालूंगा भाई का होम स्टे, यहाँ पे आओ स्टे करो, विंटर स्पेंड करो। कब तक होता है यहाँ पे? यहाँ पे 12 महीने 12 महीने खुला है। सिटिंग एरिया ब्यूटीफुल, और देखो यहाँ पे क्या व्यू ही बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। आपने आपने रखा है बुखारी के लिए खजाना। ओहो, ये तो खजाना है हमारा, क्या बात है। वो नीचे बेब्स खड़ी है, और या ये भी आपका ये पर है? ये नीचे रेस्टोरेंट बनाया है, होटल बनाया है? रेस्टोरेंट बनाने के। अच्छा अच्छा। सिसु से सिर्फ 5-6 किलोमीटर आगे, मतलब आओ इन्जॉय करो। और बर्फ़ अभी देखो, प्री विंटर्स आई है, बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है। मेरे को लगता है इस बार बर्फ़ लेट हो गया है ना सर? सर बर्फ़ लेट है। हाँ, जब आए थे तो तकरीबन 1.5 फुट बर्फ़ थी यहाँ पे। हाँ, इस टाइम हम तो आते रहते हैं, हम तो नवंबर के बाद तो आना मुश्किल हो जाता है इधर। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से व्यू देखो भैया, थोड़ा सा बता दो अपने होम स्टे के बारे में। होम स्टे हमारे यहाँ पे 12 महीने खुला रहता है। इसमें आपको खाने पीने के लिए मतलब नॉन वेज कोई ऐसा नहीं है, या वेज ही चलेगा, नॉन वेज वेज दोनों चलता है। अगर आप अपनी खुद किचन कुकिंग करना चाहे तो किचन आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, खुद भी कर सकते? बिल्कुल हो? खुद भी कर सकते हो उसमें। तब तो मैं तो खुद कुकिंग करने वाला बंदा हूँ। वाह, आप खुद भी कुकिंग कर सकते हो और व्यू इंजॉय कर सकते हो। सामने बालकनी व्यू एकदम जबरदस्त है। और देखो हाईवे से कितनी दूर है ये देखो, 2 कदम चलने, 1 और 2 प्रॉपर्टी में आ गए। सो फाइनली वी आर फ्री एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर प्लेसेस। आज घर पहुंच जाएंगे शाम को। इट वाज अ ग्रेट कैंपिंग, ग्रेट एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा। तो दिन का माहौल अच्छा है, रात को थोड़ा सा वो रहता है कि भाई ख़राब रहता है कि भाई ठंड रही काफ़ी कुछ। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू जस्ट स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, एंड इसको भी इंजॉय करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे ही रहो आप हमारे साथ बने हुए। ओके गाइज, टेक केयर।